हरियाणा के जींद जिले से एक ऐसी खबर सामने आई जिसे सुनने वालों के भी रूह कांप उठी। जो कार इन तस्वीरों में जलकर खाक हो चुकी है, उसी कार में एक दंपति बालाजी मंदिर से वापस लौट रहा था। कार सवार महिला गर्भवती थी। दोनों दंपति बालाजी मंदिर से अपने और अपने बच्चे के लिए आशीर्वाद लेकर वापस लौट रहे थे कि इन दोनों की कार रास्ते में हादसे का शिकार हो गई और गर्भवती महिला की इसी गाड़ी के अंदर जलने के कारण मौत हो गई। कलेजे को चीर कर रख देने वाली ये खबर जींद जिले से सामने आई है। बालाजी मंदिर से लौटते हुए गर्भवती महिला की जलने के कारण मौत हो गई। वहीं हादसे में जैसे तैसे महिला का पति बच निकला। बता दें, ये पूरी घटना नेशनल हाईवे 152 डी पर घटित हुई है। मिली जानकारी के मुताबिक जैसे ही कार में आग लगनी शुरू हुई, महिला का पति जैसे तैसे गाड़ी से उतर गया, लेकिन महिला कार में फंसी रह गई। कार के साथ साथ महिला का पूरा शरीर जलकर खाक हो गया था। मामला की हम जांच चाहते हैं। जो घटना घटी है वो बहुत बुरी घटना घटी है। हम लड़की के परिवार से हैं, भाई लगते हैं नाते के अंदर, तो हम चाहते हैं कि इस मामले की निष्पक्ष जांच हो। किस तरीके से घटना घटी, क्या मैसेज आ गया आपके पास? मैसेज तो एक्सीडेंट का बताया कि बाद में आग भी लगी है, लेकिन सच्चाई पे मौके पे तो मौजूद लड़का ही था और लड़की थी, वही बताएं। तो आप लोगों को कोई हत्या की आशंका लग रही है? शक है, शक के दायरे में हम चाहते हैं कि निष्पक्ष जांच हो। क्या नाम सर? हितेश कुमार नाम है। तो लड़की गर्भवती थी? हाँ, लड़की गर्भवती थी, 6-7 महीने की। पहले कितने बच्चे? पहले एक लड़का है उनके। तो कौन सी जगह एक्सीडेंट हुआ था? ये शिवा गांव से के नज़दीक ही है, 1-2 किलोमीटर के राउंड में। कहाँ गए हुए थे? कहाँ से वापसी आ रहे थे? बताया गया कि बालाजी गए हुए थे, वापस लौट रहे थे। पहले जो कोई आपस में तनमन रहते थे, कोई पहले बात ऐसे जो लेकर? कुछ नहीं कह सकते, हम इसकी जांच चाहते हैं बस। एक्सीडेंट हुआ, कौन थी लेडीज गर्भवती मिला बताए, इधर क्या मामला था ये सारा? आज सुबह सूचना मिली थाना में कि गांव शिवा के पास 152 डी पर एक्सीडेंट हो गया और उसमें गाड़ी में आग लग गई एक्सीडेंट होने से, और उसमें एक औरत झुलक गई और उसमें एक्सपायर हो गई अंदर। तो हम सूचना पर वहाँ पहुँचे मौका पर, तो वहाँ पर गाँव वाले काफ़ी लोग मिले और जो लेडीज थी वसीमा नाम था उसका, उसके परिवार वाले भी आए हुए थे। बडाला की बेटी थी और शिवा गांव में जितेंद्र के साथ शादीशुदा थी। तो उसके परिवार वालों ने काफ़ी देर बाद विचार विमर्श कर दाएँ बाज पता किया, तो उन्होंने आरोप लगाया उसके पति पर जितेंद्र पर, कहा कि भाई इसने हमारी लड़की को कत्ल किया है पहले, उसके बाद इसने इसको इसमें डाल लिया है, एक्सीडेंट दिखाया इसका और जलने का ढोंग रचा है। उस पर FIR दर्ज की है, अभी पोस्टमार्टम करवा रहे हैं, बाकी आगे जो इन्वेस्टिगेट का पार्ट है जो भी होगा, सच्चाई क्या है वो सामने आ जाएगा। कहाँ से आ रहे थे सर ये? कहाँ दो ये कह रहे थे भाई बालाजी गए थे ये धोख मारने के लिए, पति पत्नी दोनों, और वहाँ से वापस लौट रहे थे आज सुबह करीब 5:00-5:00 बजे का हादसा बताया गया है। जो महिला अपने घर में आने वाले मेहमान की सलामती की दुआ मांगने बालाजी के दरबार पहुँची, उसे क्या मालूम था कि वो आखिरी बार बालाजी के दर्शन कर रही है। महिला की दर्दनाक मौत की खबर सुनते ही परिवार से लेकर आसपास के इलाके में मातम का माहौल पसर गया। घटना की सूचना पुलिस को भी मिल चुकी है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगामी जांच शुरू कर दी है। जांच के दौरान पुलिस ये पता लगाने की कोशिश करेगी कि गाड़ी में आग लगने की घटना वाकई में हादसा है या तो फिर इसे सोची समझी साजिश के तहत अंजाम देने की कोशिश की गई है, क्योंकि मृतक महिला के परिजनों के ये आरोप भी है कि हो सकता है ये हादसा नहीं है बल्कि इसे एक सोची समझी साजिश के तहत अंजाम दिया गया है। जींद से विजेंद्र कुमार, न्यूज 18 हरियाणा।